गुड मॉर्निंग माई लवली स्टूडेंट्स. येस, टूडे आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एक्सरसाइज 7. वी हैव टू फाइंड आउट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/5. 1/5 के आपको कितने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने हैं? 4. ओके, जब आपको कुछ भी नहीं दिया हो कि आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, देन इट्स योर चॉइस. आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. सबसे पहला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए मैंने अपनी चॉइस से 2 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी. रिमेंबर दैट मल्टीप्लाई आपको दोनों तरफ करना है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी. अगर एक जगह राइट डाउन करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. ओके, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. नेक्स्ट के लिए आप क्या करोगे बेटा? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3 1 जा 3 एंड 5 3 जा 15. नेक्स्ट टाइम आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है. 4 1 जा 4 एंड 5 4 जा 20 एंड लास्ट आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. देन 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25. ओके बेटा, नाउ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ बुक. बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है. आई एम नॉट राइटिंग द क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन राइट डाउन करने हैं बुक से. सरस्वती नीड्स 1/4 मीटर ऑफ क्लोथ टू मेक ए शर्ट. सरस्वती को 1 एंड 1/4 मीटर क्लोथ चाहिए एक शर्ट बनाने के लिए. हाउ मच क्लोथ शी नीड्स टू मेक 2 सच शर्ट्स. अगर 1 शर्ट के लिए इतने क्लोथ की रिक्वायरमेंट है तो 2 शर्ट्स के लिए कितनी होगी? फर्स्टली यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट लिखनी है, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 1 शर्ट वन अपॉन फोर मीटर. नेक्स्ट, क्लोथ रिक्वायर्ड फॉर 2 शर्ट्स. 2 शर्ट्स के लिए क्या होगा बेटा? इसका डबल हो जाएगा. ये देखिए क्या है, डबल करना है तो आप इसे 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर आप इसको ऐड भी कर सकते हैं. ओके, बोथ आर सेम. 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड किया, 5 5 अपॉन 4. सेम 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड किया, 5 अपॉन 4. 5 में 5 को ऐड करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है, दैट्स वाई 4 नीचे लिखा. 5 प्लस 5 10, 10 अपॉन 4 बन गया बेटा. 10 अपॉन 4 देखा आपने, सेम टेबल से डिवाइड हो रहा है. 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4 क्या आया? 5 अपॉन 2. आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए, 2 से डिवाइड करिए 5 को, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आया. देन व्हाट इज द आंसर? डिनोमिनेटर में क्या आएगा? 2, जिससे आपने डिवाइड किया वो डिनोमिनेटर में आया, एंड क्वोशेंट जो था वो आपने यहां पे राइट डाउन किया एंड रिमाइंडर को यहां पे. ओके, सो 2.5 मीटर क्लोथ की रिक्वायरमेंट है आपको 2 शर्ट्स के लिए. लास्ट क्वेश्चन, आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 8. ये बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है बेटा एंड दिस इज 8. रानू बॉट 6 मीटर लॉन्ग रिबन फ्रॉम मार्केट. रानू मार्केट से 6 मीटर लॉन्ग रिबन लेके आती है. इफ शी इक्वली डिवाइड्स इन इट बिटवीन 4 फ्रेंड्स, 4 फ्रेंड्स में उसे ये रिबन डिस्ट्रीब्यूट करना है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिबन ईच फ्रेंड विल गेट. आपको ये बताना है एक फ्रेंड को कितना रिबन मिलेगा. नंबर ऑफ फ्रेंड्स
ऑफ फ्रेंड्स कितने हैं बेटा? फोर. फोर फ्रेंड्स हैं. और लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन, लेंथ ऑफ रिबन कितनी है बेटा? 6 मीटर. नंबर ऑफ फ्रेंड्स 4 हैं, लेंथ ऑफ रिबन 6 मीटर है. फोर ईच फ्रेंड गेट रिबन, हर फ्रेंड को कितना रिबन मिलेगा उसके लिए आपको क्या करना है बेटा? डिवाइड ईच फ्रेंड गेट रिबन. आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. टोटल रिबन 6 मीटर है एंड फ्रेंड्स कितने हैं जिसमें डिवाइड करना है? टोटल फ्रेंड्स 4 है. दैट्स वाई 6 को 4 से आपने क्या किया? डिवाइड. अगेन आप इसको किस में चेंज करेंगे? मिक्स फ्रैक्शन में. मिक्स फ्रैक्शन के लिए आपको क्या करना है बेटा? 4 से डिवाइड करना है. 4 बन जा 4. 6 में से 4 माइनस वॉट? 2. नाउ राइट डाउन. डिनोमिनेटर सेम रहेगा 4. क्वेश्चन 1 एंड रिमाइंडर 2. थैंक यू.